बताएं अपना नाम बताएं पहले जी। अहमद अली। अहमद अली, कौन सी जगह से बोल रहे हैं आप? जंग पंजाब पाकिस्तान। ठीक है, बताएं सर जी, क्या आपकी मुश्किल क्या है, क्या आपका सवाल है? कोई रेफ्यूजी के बारे में सवाल है आपका शायद? जी सर, मैंने आपकी ना वीडियो देखी थी, वो आसिया बीबी के रिलेटेड जो है ना यूट्यूब पे। हाँ, ओके। तो जी फिर मैंने आपसे कांटेक्ट करने का फैसला किया। मेरा ना सर इधर पाकिस्तान में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, दुश्मनी है। इधर मेरा वाली साहब कत्ल हुए हैं, भाई भी कत्ल हुआ है। तो मेरे ऊपर भी एक दो दफा अटैक हुए, काफी इधर जो है ना वो प्रॉब्लम है मेरे लिए। किसने अटैक किया आपके? सर वही लोग जिनसे मेरी दुश्मनी है। वो बंदा जो जिसने कत्ल किया है मेरे वालिद और भाई को, वो अभी फरार है पुलिस के हाथों की। थोड़ा सा ठहर के जरा थोड़ा सा इस पे एक स्टेज पे बात करनी पड़ेगी इसमें, कि आपकी जो दुश्मनी है वो किस वजह से दुश्मनी है? सर वो हमारा ना कोई पुराना तनाजा था जमीन का, दादा अबू का और उन लोगों का। इसमें सर जी, इसमें ऐसा है कि इसमें कनाडा का क्या कनेक्शन है इसमें? कनाडा में रिफ्यूजी का क्या मतलब है इसमें? अगर ये तो कोई अगर क्रिमिनल प्रॉब्लम है तो वो तो वहीं पर लोकल सॉल्व होगी, इससे कनाडा का कोई लेना देना नहीं है। रिफ्यूजी जो केस है वो उसका एक फैक्टर अलग होता है, और अगर लोकल कोई क्रिमिनल कोई प्रॉब्लम चल रही है तो इससे रिफ्यूजी से कोई वास्ता नहीं है। सही हो गया वो, इसलिए आपकी वीडियो देखी थी तो मैंने कहा आप अगर हमारी कुछ हेल्प कर दें, इधर काफी ज्यादा मेरी जान को भी खतरा है, मैं और मेरी वालदा है बस, और कोई भी नहीं है। मेरे हेल्प करने का तरीका, मेरे हेल्प करने का तरीका यही है कि मैं आपको सही मालूमात दे रहा हूँ, यही मेरा तरीका है हेल्प करने का। जी सर, अगर आप ये सोचें कि अगर कोई क्रिमिनल केस अगर कोई है, अगर कोई कोई रंजिश करके अगर आप कनाडा में कोई पनाह लेना चाहते हैं, रिफ्यूजी लेना चाहते हैं, तो वो ऐसा नहीं होगा, वो आपकी एप्लीकेशन को नामंजूर कर देंगे। तो रिफ्यूजी लेने का मतलब तो ये होता है कि अगर किसी वजह से आपके कंट्री में आपको सरकार अगर प्रोटेक्ट नहीं कर पाई बेस्ड ऑन योर व्यूज, रिलीजन हो सकता है, कोई कास्ट, कोई क्रीड, कोई पॉलिटिकल ओपिनियन, छह जो फैक्टर्स होते हैं रेफ्यूजी के, अगर उसमें अगर कोई आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही और अपने मुल्क छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ यूनाइटेड नेशंस आपको रेफ्यूजी करार कहती है, और ये उसके बाद फिर आप कोई तीसरे मुल्क में जाके सेटलमेंट ले सकते हैं, जैसे कनाडा हो, अमेरिका हो या और कोई, वो है एक रेफ्यूजी का सिस्टम। ऐसे तो आपसी रंजिश और आपसी दुश्मनी तो हर एक मुल्क में हर एक जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है ऐसी, तो उसके बेस पे रेफ्यूजी नहीं हो सकता। सही, थोड़ा सा क्लियर होके समझे। तो मेरे हेल्प करने का तरीका लोगों को यही है कि मैं आपको सही सलाह दूं और सही इन्फॉर्मेशन दूं, यही मेरा तरीका हेल्प करने का। तो रेफ्यूजी तो आपका आप कैटेगरी आपके लिए नहीं है। और बताएं और क्या सवाल है आपको मेरे से? सर अगर ये नहीं हो सकता तो उसके अलावा अगर कोई स्टडी वीजा हो जाए, मेरा मतलब है कि इधर पाकिस्तान में तो मेरे लिए काफी ज्यादा खतरा है, मेरी जान को भी खतरा है, मेरी वालदा को भी खतरा है। स्टडी वीजा से जान के खतरे का कोई लेना देना नहीं है। स्टडी वीजा एक अलग चीज है। स्टडी वीजा उनको मिलता है जिनको पढ़ाई करनी है, जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं, जिनको एडमिशन मिलता है, जिनके पास IELTS इंग्लिश स्कोर है, जिनके पास पैसा है पढ़ने के लिए, और वो वीज़ा ऑफिसर को एक तसल्ली दिलाते हैं कि वाकई हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं, तब जाके स्टडी वीज़ा मिलता है। स्टडी वीज़ा से अगर किसी दुश्मनी के चक्कर में आप भाग रहे हैं और अपने आप को स्टूडेंट अपने आप को बना रहे हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टडी वीज़ा के जो क्राइटेरिया में आप फिट हो रहे हैं, आप स्टडी वीज़ा का बहाना लेकर आप निकल रहे हैं, तो फाइनली वीज़ा ऑफिसर ने डिसाइड करना कि आप वाकई स्टूडेंट हो या नहीं हो, या स्टूडेंट बनने की कोशिश कर रहे हो। जी सर, बात को थोड़ा समझें तो जी। उसके हिसाब से होता है। आप करते क्या हैं, जॉब वाला नौकरी क्या करते हैं आप? मैं सर नौकरी नहीं करता, मैं अभी पढ़ता हूँ, MSc कर रहा हूँ सोशियोलॉजी में। MSc पढ़ रहे हैं? सोशियोलॉजी? जी सोशियोलॉजी। अच्छा, तो कौन सी यूनिवर्सिटी से? ये इधर पाकिस्तान में इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी से। तो इससे पहले क्या किया आपने?
इससे पहले मैंने बीए किया आईटी में बीए किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में. जी। अच्छा, तो अभी तक कोई जॉब एक्सपीरियंस है आपको? जी जॉब मैंने की है बैंक में ना, 6 मंथ्स जॉब की है मैंने। अच्छा, तो ये आपकी डिग्री जो मास्टर डिग्री है कब खत्म होगी? ये 2020 में खत्म। अच्छा, और आप सिंगल हो मैरिड हो? नहीं मैं सिंगल हूँ सर, अच्छा, और घर में कौन कौन है? मेरी वालदा है बस। ओके, तो इनकम कहाँ से आती है? जमीन है अपने, बस उसी से जो है ना वो इनकम आती है, ठेका मिल जाता है हर साल। अच्छा, तो आप स्टूडेंट बन के अगर जाओगे तो अपनी अपनी मदर को छोड़ जाओगे यहाँ पर? जी मदर, फिर इधर मेरी सिस्टर है वो मैरिड है, उसके पास है। अच्छा, अगर आपने मास्टर्स डिग्री आपनी आपकी अगले साल होगी ना एक्चुअली. ओके, सो एक तो चैलेंज है आपका पास कि अभी आपको 1 साल रुकना पड़ेगा आपको, क्योंकि पढ़ाई तो ये अभी आपको ख़त्म करनी है. दूसरा आपको है कि इंग्लिश का एग्ज़ाम देना है, और तीसरा है आपको फंड्स पैसा शो करना है कि आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, उसका पैसा कौन देगा, कहाँ से आएगा. और चौथा जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी चीज़ है कि मास्टर्स डिग्री करने के बाद और कौन सी पढ़ाई करने आप कनाडा जाओगे, तो वो भी एक थोड़ा सा सेटिस्फाई करने के लिए क्राइटेरिया काफ़ी ज़रूरी है कि बोनाफाइड स्टूडेंट का प्रूव हो कि इतनी पढ़ाई करने के बाद और कौन सी पढ़ाई करने का आपके दिमाग में घूम रहा है कि ये पढ़ाई करेंगे. ये चारों बातों पे जब आपकी एक सही एक तसल्ली बख्श इन्फॉर्मेशन उनको लगेगी तब जाके वो वीज़ा देंगे, अदरवाइज वीज़ा नहीं देंगे. अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ द फैक्ट, दैट इज़ द रियलिटी. यस बाकी ये है कि अगर कोई जॉब वगैरह मिलती है कनाडा में तो हो सकता है, लेकिन जॉब मिलना बहुत मुश्किल है. तो इसलिए जहाँ तक रेफ्यूजी का सवाल है, रेफ्यूजी आपका होगा नहीं, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आपका नहीं होने वाला रेफ्यूजी इस बेस पे. सही हो। और कोई अगर आपको सवाल मेरे से पूछना है तो पूछ सकते हैं. सर कोई ऐसा मेथड जिससे जो है वो लग जाए। सर जी, ऐसा मेथड अगर मेरे पास कोई फार्मूला होता तो पूरा पूरा पाकिस्तान खाली हो जाना था एक रात में. ऐसा मेथड ना मेरे पास है, ना किसी के पास है, और ना ऐसा मेथड कभी हो सकता है. ये कानून की बातें हैं. वीज़ा क्वालिफाई करना एक स्पेसिफिक एक एप्लीकेशन रिलेटेड एक क्राइटेरिया होता है हर चीज़ का. उस जी बेस पे लोग क्वालिफाई करते हैं, कुछ लोग करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे, हर एक इंसान क्वालिफाई नहीं करेगा. ये जो सवाल आपने पूछा कि ऐसा कोई तरीका है जिससे हो जाए, ये इसी सवाल से तरह तरह के एजेंट आपका फ़ायदा उठाते हैं कि जी हम कर देंगे आपका, हम कर दें ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, इतना पैसा दो वैसा दो. इसी से धोखा और फरेब शुरू होता है, क्योंकि अगला आदमी जानता है कि आप डेस्परेट हो और आपका फ़ायदा लेकर वो पैसे ऐंठते हैं आपसे. तो ऐसा कोई जादुई या करिश्माई तरीका नहीं है कि इस तरीके से किसी का काम हो जाए. हर एक क्राइटेरिया वीज़ा एप्लीकेशन का बना हुआ है वेबसाइट पे, सरकारी वेबसाइट पे, कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लिखे हुए हैं. अगर स्टडी वीज़ा करना है तो स्टडी वीज़ा के लिए क्या चाहिए, अगर वर्क वीज़ा करना है तो वर्क वीज़े के लिए क्या चाहिए, अगर पीआर अप्लाई करना है तो पीआर के लिए क्या चाहिए, रेफ्यूजी करना है तो रेफ्यूजी के लिए क्या चाहिए, सबका एक क्राइटेरिया दिया हुआ है. अगर क्राइटेरिया आपके पास है तो वीज़ा लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा. चाहे कोई भी जादूगर कोई भी आपको फॉल्स प्रॉमिस कर दे, वो नहीं लगेगा. तो कोई आपके जितना आपने मेरे को बताया उसमें से मेरे को लगता नहीं है कि कुछ नहीं होने वाला आपका, रेफ्यूजी नहीं लगने वाला. टूरिस्ट वीज़ा तो आप छोड़ ही दो, टूरिस्ट वीज़ा भी लगने वाला नहीं आपका. मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, कई लोग मेरे से खफा होते हैं, बोलते हैं कि आप जी नेगेटिव बातें ज़्यादा करते हो. भाई मेरे पास आदमी वही आता है जो नेगेटिव सिचुएशन से मेरे को सवाल पूछ रहा है. अगर आप पॉजिटिव अगर आपके पास कोई पॉजिटिव ऐसी कोई चीज़ होती तो मैं आपको कहता हाँ काम हो जाएगा. लेकिन मैं सच बोलता हूँ और सीधे खरी बोल देता हूँ, मैं छुपाता नहीं, क्योंकि मेरे पास इम्प्रेस करने के लिए कुछ है नहीं, ना मेरे को किसी से पैसे ऐंठने हैं. इसलिए मैं जो सच्चाई दिखती है, जो एक रियलिटी दिखती है, मैं लोगों को बता देता हूँ कि भाई ये सच्चाई दिख रही है. मैं शीशा दिखाता हूँ आपको, और सच्चाई ये है कि
वर्क वीज़ा लगने की कोई उम्मीद नहीं है, टूरिस्ट वीज़ा लगने का कोई आपका चांस नहीं है, रेफ्यूजी आपका हो नहीं सकता, बिजनेसमैन आप हो नहीं हो कि आप लाखों और करोड़ों खर्च करके वहाँ पर कोई जमीन जायदाद या कोई बिजनेस सेटअप कर लोगे कनाडा में, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो एक ही तरीका वो दिखता है वो है स्टडी वीज़ा, उसके भी चांसेस थोड़े हैं, वो अगले साल शुरू होगा, अभी तो शुरू होगा नहीं। सो ये सही सच्चाई है। बाकी ये तो मैं आपको कनाडा के बारे में बता रहा हूँ, अगर आपको किसी और किसी मुल्क का चांस मिलता है, दुबई वगैरह मिडिल ईस्ट कहीं और नौकरी वोकरी मिलती है तो आप वहाँ बेशक आप जा सकते हैं। और सर अगर बैचलर बेस पे हम अप्लाई करते हैं वहाँ पे स्टडी के लिए तो नहीं हो सकता? किस बेस पे? बैचलर बेस पे मतलब उधर किसी मास्टर डिग्री में एडमिशन लेते हैं, यहाँ पे मास्टर कंप्लीट नहीं करते? नहीं तो वो आपको वीजा मिलने का उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी वीजा ऑफिसर को पता है आप मास्टर डिग्री यहाँ कर रहे हो, दोबारा दोबारा डबल मास्टर्स करने जाओगे उसका कोई सेंस नहीं है। सही है। तो उन्हें उन्हें मालूम पड़ जाता है कि मास्टर डिग्री करने का आपका एक बहाना है, बाकी तो पढ़ाई तो आपकी हो ही चुकी है, जितनी आपको तालीम लेनी थी उतनी ले चुकी हैं आप, बार बार ये पढ़ाई करने का आप एक स्टूडेंट का एक बेस बना के आप जा रहे हो कनाडा में, बाकी पढ़ाई करने का मकसद आपका असली नहीं है जी। सच्चाई तो ये है। और सर पीआर जो है उसका क्या प्रोसेस है? पीआर का प्रोसेस आपके लिए अभी नहीं है क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का, आपको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कहीं पर काम करेंगे, प्रोफेशनल काम करेंगे और उसके बाद इंग्लिश अच्छी होगी तब पीआर की बात होगी, अभी पीआर की बात हो नहीं सकती। बेहतर यह है कि आप किसी और कंट्री आप निकल जाएं, नौकरी मिलती है तो वहाँ निकल जाएं, मलेशिया सिंगापुर दुबई वगैरह कहीं मिलती है वहाँ आप निकल जाएं, अगर आपको नौकरी मिलती है वो ज़्यादा बेटर मेरे को लगता है कि अगर इस सिचुएशन में आपके लिए। ठीक है जी, बोले जी ठीक, बोले बोले सवाल बोले। सर मैं ये पूछ रहा था कि कोई कंट्री बता दें जिसमें बंदा चला जाए और फिर वहाँ से कनाडा आने के लिए आसानी पैदा। कहीं भी जाएं आप, आपको उससे मतलब नहीं कौन सी कंट्री, कोई भी कंट्री जहाँ जॉब मिलती है वहाँ जाएं आप जी, जहाँ पर आपको जॉब मिलती है वहाँ जाएं जी जी चलें ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, खुदा हाफिज़। खुदा।